दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, 21 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी ईद के खास मौके पर बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान, जिसको आज सिनेमाघरों में 18वां दिन चल रहा है। हालांकि इस फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी फैंस को, और सलमान खान ने भी इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सलमान खान को यह लग रहा था कि यह फिल्म कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप ना हो जाए, क्योंकि इससे पहले सलमान खान की फिल्मों को ज्यादा सपोर्ट मिला नहीं जनता का, और इससे पहले जो उनकी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म रिलीज हो रही थी वो लगातार फ्लॉप हो रही थी। तो कहीं ना कहीं किसी का भाई किसी की जान से उम्मीदें थी कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचाएगी। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अभी तक अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म को रिलीज हुए आज सिनेमाघरों में 18वां दिन है, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी तक फिल्म की टोटल कितनी कमाई हो चुकी है, फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन हो चुका है, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही या फिर फ्लॉप, फिल्म का बजट कितना था। तो दोस्तों, बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। दोस्तों, उससे पहले अगर आप बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर बात करें फिल्म किसी का भाई किसी की जान की, तो फरहाद सामजी के डायरेक्शन में यह फिल्म बनी थी, जिसमें सलमान खान के साथ वेंकटेश और पूजा हेगड़े अहम किरदारों में नजर आए थे। फिल्म का बजट लगभग 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का था, और वहीं फिल्म को इंडिया के अंदर लगभग 4500 स्क्रीनें मिली थी, और अगर ओवरसीज की बात करें तो 1200 स्क्रीनें मिली थी, और कुल मिला के ये फिल्म पूरे वर्ल्ड में 5700 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी, और अच्छी खासी स्क्रीनें थी फिल्म के पास एक अच्छी कमाई करने के लिए। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उतना खरा ये फिल्म नहीं उतर पाई है जितना कि इस फिल्म से उम्मीदें थी। अगर मैं बात करूं फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि फिल्म ने अपने फर्स्ट डे पर जहां 15 करोड़ 81 लाख रुपए इंडिया से नेट कमाए थे, तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अपने पहले दिन का 29 करोड़ 81 लाख रुपए का रहा था। उसके बाद अपने पहले 10 दिनों में फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने 102 करोड़ रुपए की कमाई इंडिया से नेट कर ली थी, तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 165 करोड़ रुपए हो चुका था। उसके बाद अगर मैं बात करूं फिल्म के पूरे 16 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो 109 करोड़ रुपए की कमाई फिल्म ने इंडिया से कर ली थी, वहीं फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 128 करोड़ रुपए हो चुका था। ओवरसीज से फिल्म ने कमा ली थी 53 करोड़ रुपए, तो कुल मिला के पूरे वर्ल्ड में ये फिल्म 181 करोड़ रुपए अपने पहले 16 दिनों में कर चुकी थी। उसके बाद 17वें दिन फिल्म का कलेक्शन रहा अपने तीसरे संडे का 1 करोड़ रुपए का। और मैं बात करूं आज 18वें दिन की, तो फिल्म के कलेक्शन में बहुत ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है, और फिल्म आज लगभग 30 लाख रुपए की कमाई कर रही है, क्योंकि इस टाइम द केरला स्टोरी ने तूफान मचा रखा है। तो फिल्म का जो 18 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 110 करोड़ 30 लाख रुपए इंडिया से नेट हो रहा है, तो वहीं फिल्म पूरे वर्ल्ड में 182 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई कर रही है। हालांकि कमाई काबिले तारीफ है, लेकिन दोस्तों ऑफिशियली अगर मैं आपको बताऊं तो अभी सलमान खान की फिल्म जो है अभी हिट चल रही है, क्योंकि अभी फिल्म का देखना यह है कि लाइफ टाइम कितना कलेक्शन होता है, क्योंकि अगर 115 करोड़ रुपए फिल्म कर लेती है तो बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाएगी, क्योंकि अभी तक ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज चल रही है। लेकिन आपको कैसी लगी ये फिल्म कमेंट में जरूर बताइएगा।